हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल ऑन माय चैनल इंग्लिश विद शिवा। सो इन दिस न्यू वीडियो वी विल डिस्कस अ फेमस अमेरिकन पोएट रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट। तो अपने आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक फेमस अमेरिकन पोएट को जो कि हैं रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट। तो चलिए शुरू करते हैं अपने आज के इस वीडियो को। तो देखो, ये रॉबर्ट फ्रॉस्ट है, जिनका पूरा नाम है रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट। कभी कभी क्वेश्चन बन जाता है कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट का पूरा नाम क्या है, तो आप लोगों को याद रखना। इनका जन्म कहाँ पे हुआ है देखते हैं। 26 मार्च 1874 सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया यूएस में पैदा हुए हैं। और इनकी मृत्यु जो हुई थी वो कब हुई थी, 29 जनवरी 1963 में बॉस्टन में मैसाचुसेट्स में यूएस में, जब वो कितने साल के थे, 88 ईयर्स ओल्ड थे। और इनका ऑक्यूपेशन अगर हम देखें तो क्या थे, एक पोएट थे और एक प्ले राइट थे। नोटेबल वर्क्स यानी कि इनके कुछ इंपॉर्टेंट वर्क्स थे, जिसमें से एक है अ बॉयज विल नॉर्थ ऑफ बॉस्टन न्यू हैम्पशायर। इनको देखते हैं कौन से अवार्ड्स मिले हैं, पुलित्जर प्राइज फॉर पोइट्री, कॉन्ग्रेशनल मेड गोल्ड मेडल। तो आप लोग याद रखना, जो इनके स्पाउस थे उसका नाम था एलेनर मिरियम वाइट। इनके 6 चिल्ड्रन थे और एक यहाँ पे इनके सिग्नेचर हैं। तो अब चलिए, इम्पोर्टेंट फैक्ट्स को मैंने यहाँ पे कवर किया है जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहले देखते हैं, रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट वॉज एन अमेरिकन पोएट। हिज वर्क वॉज इनिशियली पब्लिश्ड इन इंग्लैंड बिफोर इट वॉज पब्लिश्ड इन द यूनाइटेड स्टेट्स। None for his realistic depictions of rural life and his command of American colloquial speech. Frost frequently wrote about settings from rural life in New England in the early 20th century, using them to examine complex social and philosophical themes. तो जो हमारे रॉबर्ट फ्रॉस्ट हैं वो अमेरिकन पोएट थे। उनके वर्क जो थे सबसे पहले इंग्लैंड में पब्लिश होते थे जब तक वो यूनाइटेड स्टेट में जाके सेटल नहीं हुए थे। यदि हम देखें तो उनके जो वर्क्स हैं वो हमें रियल डिपिक्शन देते हैं रूरल लाइफ का, और कॉलिकल स्पीच भी होती है इनके वर्क्स में, और ये इनके फिलोसफिकल थीम्स होते हैं, सोशल एंड फिलोसफिकल थीम इनके वर्क्स के होते हैं। Frequently honored during his lifetime, Frost is the only poet to receive 4 Pulitzer Prize for poetry. ये question बना है, PGT में भी पूछा गया, net में भी question पूछा गया है कि उस poet का नाम बताओ जिसने 4 times Pulitzer Prize को receive किया है poetry में। तो आप लोग उसका नाम याद रखना। He became one of America's rare public literary figures, almost an artistic institution. He was awarded the Congressional Gold Medal in 1960 for his poetic works. On July 22, 1961, Frost was named Poet Laureate at Vermont. तो आप लोग याद रखना, जो हमारे रॉबर्ट फ्रॉस्ट हैं उनको पोएट लॉरेट के लिए भी नामांकित, उनका नाम भेजा गया था। Frost's father was a teacher and later an editor of San Francisco Evening Bulletin. उनके फादर जो थे एडिटर थे, जो पहले टीचर थे लेकिन बाद में वो एडिटर का काम करने लगे थे, कहाँ पे, सैन फ्रांसिस्को में इवनिंग बुलेटिन में। Frost graduated from Lawrence High School in 1892. Frost's mother joined the Swedenborgian Church and had him baptized in, but he left it an adult. Frost grew up in the city and he published his first poem in his high school's magazine. He attended Dartmouth School for 2 months. तो आप याद रखना कि उन्होंने जो अपनी फर्स्ट पोम थी वो कब पब्लिश कराई थी, तो वो हाई स्कूल में थे, हाई स्कूल की जो मैगजीन होती है उसमें उन्होंने पब्लिश कराई थी। In 1894, he sold his first poem by Butterfly and Elegy. तो याद रखना, उनकी जो फर्स्ट पोम थी क्या थी, माय बटरफ्लाई, जो क्या थी, एक एलेजी थी। उन्होंने क्या की थी, सोल्ड की थी, उसको बेचा था। देखो कितने में बेचा था, आप लोग देख लेना, इसमें लिख रहा है। प्राउड ऑफ हिज अकॉम्प्लिशमेंट ही प्रपोज्ड मैरिज टू एलेनर मिरियम वाइट, बट शी डिमर्ड वांटिंग टू फिनिश कॉलेज। है ना, उन्होंने उसको प्रपोज किया था लेकिन वो चाहती थी वो अपने कॉलेज को पहले कंप्लीट करे, उसके बाद, बिफोर द मैरिज, उसके बाद वो शादी करे।
Frost then went on an excursion to the great dismal swamp in Virginia and asked Eleanor again upon his return. उसने दोबारा पूछा कि मैं जब तक लौटता हूँ क्या तुम शादी करोगी. Having graduated, she agreed and they were married at Lawrence, Massachusetts on December 1895. तो उन्होंने दोबारा मतलब वो एग्री हो गई शादी के लिए. तो उन्होंने शादी करी कब, 19 दिसंबर 1895 में, कहाँ पे, मैसाचुसेट्स में. आई होप इतना आप लोगों को क्लियर हुआ होगा. हिज फर्स्ट बुक ऑफ पोइट्री अ बॉयज विल, इनका फर्स्ट बुक ऑफ जो इनका पोइट्री का कलेक्शन है वो है कब, जो कब आया है, 1912 में आया है. यहाँ पे नेक्स्ट ईयर से मतलब 1912 है. He was made an honorary member of Phi Beta Kappa at Harvard in 1916. Phi Beta Kappa Society एक बहुत फेमस सोसाइटी है इंग्लिश लिटरेचर में, तो उसके मेंबर भी रहे थे. In 1924, he won the first of four Pulitzer Prizes for the book New Hampshire. तो फर्स्ट पुलिट्जर प्राइज इन्हें किसके लिए दिया गया था, न्यू हैम्पशायर जो उनकी बुक थी उसके लिए, कब, 1924 में. अ पोएम विद नोट्स एंड ग्रेस नोट्स, उसका पूरा जो टाइटल था वो है द बुक न्यू हैम्पशायर्स अ पोम विद नोट्स एंड ग्रेस नोट्स. ही वुड विन एडिशनल पुलिट्जर फॉर कलेक्टेड पोम्स इन 1931, फर्दर रेज इन 1937, अ विटनेस ट्री इन 1943. तो ये फोर पोम्स के कलेक्शन थे जिनके लिए उन्हें पुलिट्जर प्राइज मिला था. तो आप लोग चारों पोम्स के नाम को याद रखना. In 1960, Frost was awarded a United States Congressional Gold Medal in recognition of his poetry, which he has enriched the culture of the United States and the philosophy of the world. इसके लिए उनको क्या मिला था, Congressional Gold Medal मिला था. It was formally bestowed on him by President Kennedy in March 1962. President जो Kennedy थे उसने उनको ये दिया था मेडल. Also in 1962, he was awarded the Edward MacDowell Medal for Outstanding Contribution to the Arts by the MacDowell Colony. वो तो उनके इसी contribution के लिए, Outstanding Contribution के लिए Arts में उनको MacDowell Medal मिला था. Frost poems he considered the most masterful, including The Witch of Coos, Home Burial, A Servant to Servants, Directive, Neither Out Too Far Nor In Too Deep, Provide Provide, Acquainted With The Night, After Apple Picking, Manding Wall, The Most Of It, And Old Man's Winter Night, To Earthward, Stopping By Woods On A Snow Evening, Spring Pools, The Lovely Shall Be Choosers, Design And Desert Places. ये कुछ इनके इंपॉर्टेंट पोम्स हैं जो आप लोग याद रखना, एग्जाम में आ सकती हैं, आप इनके एटलीस्ट नाम तो याद रखना. फिर कुछ इनके इंपॉर्टेंट पोम्स मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पे भी फोटोज़ के द्वारा ऐड करने की कोशिश की है, क्योंकि जब हम पिक्चर देखते हैं तो कई बार हमें चीज़ें याद रह जाती हैं. जैसे द रोड नॉट टेकन, इसको आप पढ़ लेना, इंपॉर्टेंट है. इसकी बीच की लाइन, इसकी कोट्स कभी कभी एग्जाम में पूछ ली जाती हैं. Fire and Ice, ये भी इनका एक इम्पॉर्टेंट वर्क है. Stopping By Woods On A Snow Evening, ये भी इनका इम्पॉर्टेंट वर्क है. फिर Nothing Gold Can Stay, Manding Wall, Bridges, Manding Wall इम्पॉर्टेंट है, Bridges इम्पॉर्टेंट है. Out Out, Acquainted With The Night, After Apple Picking. फिर है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पोम्स थी. देखो इसमें से आप लोग सम पोम को पढ़ लेना लाइन बाय लाइन, ब्रिजेस को पढ़ लेना, मैंडिंग वॉल को पढ़ लेना, द रोड नॉट टेकन को पढ़ लेना, एंड स्टॉपिंग बाय वुड्स वाली आप लोग पढ़ लेना. अब कुछ क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे ऐड किए हैं जो अक्सर एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं. व्हाट वाज रॉबर्ट फ्रॉस्ट फर्स्ट पोम, तो मैंने अभी बताया, माय बटरफ्लाई अपीयर्ड ऑन नवंबर 8, 1894 इन न्यूयॉर्क न्यूज़पेपर द Independent, The Independent. In 1895, Frost married Eleanor Miriam White. ये आप लोग देख लेना, है ना. तो अब बस आप बटरफ्लाई का नाम याद रखना और उसके पब्लिकेशन ईयर का, अपीयर्ड ईयर का नाम याद रखना. What is the last poem of Robert Frost? तो last poem जो थी इनकी, इन्होंने जब लिखी थी, In the Clearing, in 1962, उनकी मृत्यु से उन्होंने एक साल पहले अपनी last poem लिखी थी, जिसका जो हमारी poem का title था, In the Clearing, 1962 याद रखना. वॉट इज़ द फेमस लाइन ऑफ रॉबर्ट फ्रॉस्ट, है ना. रोड देखो ये मैंने बताया था ना, जो पोम थी हमारी ये वाली,
द रोड नॉट टेकन करके है ना, तो उसकी लाइन है ये। टू रोड्स डाइवर्ज इन अ वुड एंड आई टुक द वन लेस ट्रेवल्ड बाई एंड दैट हैज़ मेड एट ऑल द डिफरेंसेस, इनकी फेमस लाइन है। हाउ मैनी पोम्स हैज रॉबर्ट फ्रॉस्ट रिटन, उन्होंने टोटल 256 पोम्स लिखी हैं, याद रखना। तो उम्मीद है ये छोटी सी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। हैव अ नाइस डे।